टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, mandi.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। COVID-19 के कारण पैदा परिस्थितियों का किसी एक वर्ग ने यदि सबसे बेहतर तरीके से मुकाबला किया है तो वह है किसान। लेकिन यह कहने के साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि संकट काल में किसान की चुनौतियां खास तौर पर अपनी उपज की मार्केटिंग को लेकर कई गुना बढ़ गई है। mandi.com में हमारी कोशिश है कि अलग अलग फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए पैदा हुई चुनौतियों और उनके समाधान पर हम विस्तार से चर्चा करें। और इसी क्रम में हमने पिछले हफ्ते बात की थी हर्बल और जैविक खेती से जुड़े किसानों की समस्याओं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सब्जियों की खेती से जुड़े किसानों। और इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए दो मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं सब्जियों की खेती और उनकी सीधे मार्केटिंग कर अपना नाम और काम बना चुके प्रगतिशील किसान प्रतीक शर्मा, जो हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। और हमारे दूसरे मेहमान आज के हैं एग्री बिजनेस कंसल्टिंग फर्म सिनर्जी टेक्नोफिन प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट सुनील सिंह, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ से हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो। प्रतीक, चर्चा की शुरुआत हम आपसे ही करते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर mandi.com में हम किसानों की समस्याओं को सबसे आगे रखते हैं और बाद में जो हमारे एक्सपर्ट हैं, और आप भी खुद भी उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो बाद में हम फिर समाधान की भी बात करेंगे। सबसे पहले संक्षेप में आपसे ये समझना चाहेंगे कि पिछले 2 महीने का आपका अनुभव जो रहा है, जो लॉकडाउन और लॉकडाउन के अलावा जो एक बड़ी बड़ी बात जो कही जा रही है कि डिमांड में कमी आई है, लोग डरने लगे हैं। खास तौर से कई सारे ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहां सब्जी वालों की तरफ से संक्रमण फैला है, तो सब्जियों की खेती दोनों ही तरह से एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति में दिखी है किसानों के लिए। एक तो सप्लाई चेन बहुत दुरुस्त नहीं होने के कारण, क्योंकि बहुत जल्दी सब्जियां खराब होती हैं, और दूसरा लोगों के मन में पैदा हुई शंका। आपका क्या अनुभव रहा है और किस तरह से पिछले 2-2.5 महीने बीते हैं? क्योंकि हमारी खुद की गाड़ियां थी और हमने परमिशन ली, तो हमारे लिए समस्याएं बहुत थोड़े समय के लिए रही। शुरुआत में 3-4 दिन रही, बीच में एक बार और जब कंप्लीट लॉकडाउन किया थोड़ा सा कठिनाई आई, बट बाकी पूरे समय करीब 2.5-3 महीने जो ये पूरा समय रहा है, हम सिर्फ 7 या 8 दिन हटा दें तो हम बिना किसी बाधा के हमारे ग्राहकों तक पहुंच पाए। और ये तो सप्लाई चेन साइड की बात होगी, बट यदि आप उपभोक्ताओं की तरफ की बात करें तो वो व्यवहार भी थोड़ा सा अलग था। क्योंकि एक तो इस समय लोगों को 2 बड़ी समस्याएं थी। वो ये जानना चाह रहे थे कि जो सब्जियां आ रही हैं वो कितने हाथों से होके गुजरी हैं, तो उन्हें जानना जरूरी था। जो मंडी की जो समस्या आई, भोपाल में भी हमारी जो मेन करोन मंडी है, तो ग्राहक ये चाहते थे कि उनकी सब्जियां कम से कम हाथों तक गुजरे और वो कहां से आ रही हैं। ट्रेसेबिलिटी जो कहा जाता है, सब्जी के बाजार में अभी तक ट्रेसेबिलिटी बिल्कुल नदारद रही है। जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं, लौकी खरीदते हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता होता है, खीरा बिल्कुल नहीं पता होता है कि कहां से आ रहा है। बट अब ग्राहक चाहते थे कि उन्हें पता हो कि सब्जियां किस जगह से आ रही हैं, कितने हाथों से होके गुजरी हैं। तो ये एक पहली चीज थी। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ी रियालिटी है जो आज भी है और बहुत लंबे समय रहने वाली है। यानी प्रतीक, एक तरह से ये जो समस्या आमतौर पर किसानों के लिए थी, कहीं ना कहीं आपके लिए खासतौर से एक अवसर भी बनी ये समस्या। सुनील, आपसे ये समझना हम चाहेंगे, क्योंकि प्रतीक का ये अपना अनुभव है, उन्होंने बताया कि परेशानी वाला पार्ट जो था वो तो सारे किसानों के सामने उसी रूप में आया होगा, हालांकि जो समाधान था वो प्रतीक के पास ज्यादा बेहतर रूप में आया, क्योंकि इनका मॉडल जो था वो सपोर्ट करता था जो एक तरह से मांग है समय की उसके हिसाब से। लेकिन जो दूसरे FPO हैं, दूसरे किसान हैं जो इसी तरह सब्जियों की खेती में इस समय हैं, उनसे आपका लगातार सबका पड़ता रहा होगा इस 2-2.5 महीने के दौरान, उनके सामने जो समस्याएं आई हैं उनसे वो कैसे निपटे हैं और आगे के लिए उनके लिए क्या एक रास्ता आप देख रहे हैं? क्योंकि हर कोई डायरेक्ट मार्केटिंग कर नहीं रहा है या कर भी नहीं सकता है। जी, देखिए, इसमें जो समस्याएं जो आई, वो जो जिस तरह से प्रतीक जी ने बताया कि जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब गाड़ियां उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, गाड़ियों के पास नहीं बन पा रहे थे। जिन किसी गाड़ियों के पास पास उपलब्ध हो जा रहा था, वो लोगों ने
बहुत ही रेट बहुत बढ़ा दिए थे, तो किसानों को मार्केट तक पहुंचना एक मुश्किल हो जा रहा था। फिर बहुत सारी जो मंडियां थी वो बंद हो गई थी, कहीं किसी मंडी में जब केस निकलने लगे तब वो मंडियां बंद होने लगी थी। तो जो नॉर्मल जो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल का, खासतौर से वेजिटेबल के जो किसान हैं, उनके लिए अभी डिमांड ना होना और सही प्राइस रियलाइज नहीं होना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। बहुत सारी जगह हम लोग झारखंड में भी काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बेसिक तरह का मार्केटिंग सिस्टम है, और हम लोग दिल्ली में भी काम कर रहे हैं, राजस्थान में भी, गुजरात में भी। तो हर जगह का जो एक जो कॉमन चैलेंज था वो था, फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस का मार्केट का रेट नहीं मिल पा रहा था। नहीं ले जा पा रहे थे वो तो है ही है, लेकिन जो लोग ले जा भी पा रहे थे उनको वेजिटेबल में 1/10 मतलब 10वां हिस्सा भी नॉर्मल प्राइस का नहीं मिल पा रहा था। दूसरा, अब इस जो पेंडेमिक की, जो ये कोरोना की जो स्थिति है, इसमें एक चीज और प्रूव हुई कि हमें अब आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है कि किसान मंडी में लेके जाए, मंडी में ऑक्शन हो और वहां से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट हो, वो मार्केटिंग सिस्टम एक तरह से इस तरह की सिचुएशन के लिए वो बहुत अच्छा फिजिबल मार्केट सिस्टम नहीं है। हमें अल्टरनेट कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। जो आपने कहा कि हमें अब आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा, जो परंपरा से जो चीजें चली आ रही हैं, निश्चित तौर पे जो कोरोना महामारी ने एक परिस्थिति पैदा की है वो बहुत सारी चीजों को हमेशा के लिए बदल देगी, तो कौन सी चीजें हैं जो बदलनी चाहिए, कैसे बदलेंगी, इस बारे में हम अभी ब्रेक से लौटने के बाद और विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी फॉर। कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा, देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज सब्जियों की खेती करने वाले किसानों की समस्याएं, जो अभी फिलहाल कोरोना महामारी के कारण बाजार की परिस्थितियों में बदलाव हुआ है उसके कारण जो पैदा हुई है, और उनसे निकलने के लिए क्या रास्ते हैं, आगे चल के किस तरह से इस समस्या को स्थायी तौर पे एक तरह से कहा जा सकता है कि उसका समाधान और उसके साथ सामंजस्य बिठा के किस तरह से बाजार को ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में हमारे साथ बातचीत के लिए दोनों मेहमान हमारे साथ प्रतीक शर्मा और सुनील सिंह बने हुए हैं। सुनील जी, जो बात हमारी ब्रेक पे जाने से पहले रह गई थी वहीं से हम शुरुआत करते हैं। ये आप कह रहे थे कि आगे चल के हम लोग जो परंपरा से करते रहे हैं उसमें कुछ बदलाव सोचना होगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, क्या हो सकता है वो, कैसे हम चीजों को बदल सकते हैं अब यहां से आगे, खास तौर से हम सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के संदर्भ में अगर बात करें। देखिए, अभी जो सप्लाई चेन है जिसमें मंडी से ही एक मतलब एग्जिट है किसान के पास वेजिटेबल के लिए, उसको किसान के खेत तक लेके जाना होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज किसान के खेत में उपलब्ध होना चाहिए, जो पैक हाउस है और जो कंसोलिडेटेड जो मंडियां थी, इनको एक तरह से डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा, मल्टी लेवल पे इसको लेके जाना पड़ेगा। अगर हम लोग सीधे एक उदाहरण के तौर पर बात करें, प्रतीक जी का जो मॉडल है, अगर प्रतीक जी को मंडी के अलावा दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स अपने स्टार्ट करने हो, उनको अगर सीधे किसानों से जुड़ना है तो बैकएंड में उनको अगर पैक हाउसेस लगाने हो, तो अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उपलब्ध करवाया जाए जो कि छोटे लेवल का, मतलब उनका जो साइज है वो छोटा है लेकिन वो इतना अलग अलग है कि वो फिर एक जगह पे अगर कोलैप्स नहीं होगा सिस्टम। आज जो कोलैप्स हुआ, क्योंकि बड़ी मंडियां हैं,
और वो मंडियां एक दूसरे से इस तरह से नहीं जुड़ी हुई, तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया। अगर हम लोग छोटे पैक हाउसेस, छोटे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को मिनी मंडी के जैसे चलाएंगे, और जो नए मॉडल जो इमर्ज हो रहे हैं, जैसे प्रतीक जी का डायरेक्ट टू फार्म टू फोक का मॉडल है, या आज जो नए ई कॉमर्स के जो मॉडल डेवलप हो रहे हैं, या जो दूसरे ग्रोसरी के रिटेल चेन्स जो डेवलप हो रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, नए बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए उसी तरह का बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। उसमें फिर जो टेक्नोलॉजी का जो रोल है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसमें फार्मर भी एक हिस्सेदार हो, रिटेलर भी एक हिस्सेदार हो, और जो लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग और जो पैक हाउस की सुविधाएं जो दे रहे हैं वो एक हिस्सेदार हो। जी प्रतीक, टेक्नोलॉजी के ज्यादा प्रयोग की बात अभी सुनील जी ने कही, इस पर भी आपने काफी काम किया है और कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम कर भी रहे हैं जो तकनीक के लिहाज से ग्राहकों तक पहुंचने और अपने उत्पादों को, ट्रेसेबिलिटी की बात आपने कही, उस पर भी आपने काम किया है, तो इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और आप बताइए, दोनों लिहाज से आपसे समझना चाहेंगे हम, एक तो ये भी कि ये कितना डुएबल है, कितना आसान है करने के लिहाज से, इसलिए कि हमारे देश के जो किसानों की स्थिति है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनसे हम सीधे तौर पे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सब कुछ खुद करें, लेकिन जो किसान खुद नहीं कर सकते उनके लिए भी क्या विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे किसानों के साथ मिलके भी आप काम कर रहे हैं। खेती के लिए एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट का एक समय है, और अभी तक जो खेती सबसे पीछे थी, शायद अब खेती को वापस सबसे आगे आने का समय है। और मैं एक बहुत ब्रॉड उससे बात करूं तो एक इकोनॉमी को आज वापस एक शुरुआत होगी वापस, क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा था, और शायद ये शुरुआत भारत जैसे देश में खेती से ही हो सकती है। एक बड़ा जो परिवर्तन अभी हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करके किया है, और इसके मुझे ऐसे लगते हैं कि काफी दूरगामी परिणाम होंगे। सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, हमारे जैसे जो एग्रीगेटर्स हैं अब सीधे किसान से उनके खेतों से उठा सकते हैं, और लीगली वो उस चीज को बहुत अच्छे से लेके आगे जा सकते हैं। तीसरी एक बड़ी चीज है प्राइवेट मंडी। प्राइवेट मंडी जब आएगी तो एक बहुत एक एफिशिएंसी से वो काम किया जा सकता है। सुनील जी, जो कुछ कदमों की बात अभी प्रतीक ने कही, जो भारत सरकार की ओर से अभी कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जो कृषि सुधार के मामले में कुछ विशेषज्ञों ने तो यहां तक कि 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए थे उनसे इनकी तुलना की है, इस लिहाज से जो जिन चुनौतियों समस्याओं की हम बात कर रहे हैं, अगर उनके लिहाज से उस विंडो से अगर इन घोषणाओं को देखें तो आप कितना इनको पाते हैं कि ये समर्थ हो सकती है, खासतौर से जो प्राइवेट मंडीज की बात कही है प्रतीक जी ने, और उसके साथ ही जो दूसरी बात है कि एपीएमसी मंडी का भी अब उसके बाहर किसानों को अपना माल जो बेचने की छूट होगी, हालांकि सब्जी किसानों को पहले से भी ये सुविधा थी, लेकिन कुल मिलाकर आपको क्या दिखता है आगे चलकर इसमें कितनी सहूलियत हो सकती है इन घोषणाओं से? देखिए, जो तीन चार जो मेजर स्टेप्स लिए गए हैं जो कोरोना के काल में, जिनको हम लोग पॉलिसी रिफॉर्म के तरह से देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एक जिसके प्रतीक जी ने बात की, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उसमें आया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ की जा रही है, उसके रूल्स फ्रेम किए जा रहे हैं, वो काफी मेरे ख्याल से डिटेलिंग और हर एक लेवल पे कस्टमाइजेशन की जरूरत होगी। उससे भी बड़ा जो दूसरा रिफॉर्म जो है, जिसमें मार्केट्स को ओपन कर दिया गया है, एपीएमसी के बाहर किसान बेच सकता है, इस रिफॉर्म को लेकिन जमीन पर उतारने के लिए जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की है, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जो बात की है, वो बहुत जरूरी है कि उसका उपयोग कैसे होने वाला है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाने वाला है, और वो किस तरह के एंटरप्राइजेस को या किस तरह से किसानों तक वो सहयोग पहुंचने वाला है, क्योंकि उसमें सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा फंड है, इस तरह का पहले भी एक फंड नाबार्ड में भी एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवेलेबल था जी। तो कौन सी एजेंसी होगी जो इसको धरातल पर उतारेगी, उसका मेथड क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगी, किस तरह से नए जो स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या कॉर्पोरेट्स हैं, या फार्मर्स ग्रुप हैं, एफपीओज हैं, एफपीसीज हैं, उनको कैसे उससे जोड़ा जाएगा, तो उसको अगर सिंप्लीफाइड वे में एक अगर यूनिफॉर्म सिंगल बॉडी नेशनल लेवल पर उस फंड को यूज करें और धरातल पर उतारने का एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस डिफाइन करके, जो आज जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडर्न टाइम में इमर्जिंग बिजनेस मॉडल के साथ मिलाते हुए जिस किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उनको ध्यान में रखते हुए अगर उस स्कीम को क्रिएट किया जाएगा तो मेरे ख्याल से उसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव आने वाला है,
और बहुत सक्सेसफुल आने वाला है, क्योंकि ये सारा जो अभी मार्केटिंग का सिस्टम है उसको चेंज कर देने वाला है। यानी और उसके ऊपर 1,00,000 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सरकार ने जिसकी घोषणा की है उसके बारे में सुनील कह रहे हैं, इस पर थोड़ा और बातचीत हम करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी। आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए जो नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं बाजार की, उनका समाधान क्या है, उनके लिए आगे किस तरह से रास्ता निकल कर आ सकता है, इसके बारे में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय कंसल्टिंग फर्म सिनर्जी के वाइस प्रेसिडेंट सुनील सिंह और प्रगतिशील किसान प्रतीक शर्मा मौजूद हैं। सुनील सिंह जी, जो हम ब्रेक पे जाने से पहले बात जहां छोड़ी थी हमने, हम वहीं से उठाते हैं। आपने कहा कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसको देखना होगा कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाना है और किस तरह से होता है, उसी पर बहुत कुछ ये निर्भर करेगा कि ये कितनी सफलता हासिल करता है। आपकी ओर से अगर मैं कहूं कि अगर 3 सुझाव देने हो इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को इस्तेमाल करने के लिए, क्या सुझाव आपके होंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा हो सके? देखिए, अगर मैं अभी चूंकि अपना जो डिस्कशन जो चल रहा है फ्रूट्स वेजिटेबल के फार्मर्स को लेकर है, तो मैं जो मेरे सुझाव है मैं इन्हीं किसानों को ध्यान में रखते हुए और इससे जुड़ी हुई जो वैल्यू चेन है उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाहूंगा। हमारे देश में पैक हाउसेस की बहुत कमी है, जो बैक एंड पे फार्म एंड पे पैक हाउसेस की जरूरत होती है, जहां पर किसान अपने लेवल पर प्राइमरी वैल्यू एडिशन कर सके, या किसानों का ग्रुप जो है वो गाँव के लेवल पर प्राइमरी वैल्यू एडिशन कर पाए, पैक हाउस को बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। दूसरा जो चाहिए कंज्यूमर एंड पे, जहां पर आज प्रतीक जी बैठे हुए हैं, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स या डिस्ट्रीब्यूशन हब्स की बहुत जरूरत है। आज जहां पर अगर हम लोग देखेंगे मंडी, हर एक मार्केट को एक ही मंडी कैटर कर रही है, वहां पर हो सकता है कि हम लोग 10 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स ओपन करें। तो ये 2 चीजें हैं। तीसरा जो है इसमें जो ट्रेसिबिलिटी की बात जो प्रतीक जी कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, कि इसको कैसे ऑनलाइन आईटी की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उस ट्रेसिबिलिटी को इंश्योर किया जाए, ताकि किसान को आज मार्केट की डिमांड का पता चल सके और जो खरीदार है उसको जो आज की सप्लाई का पता चल सके। इन दोनों एंड को सीमलेस कैसे जोड़ा जा सकता है, उसमें आईटी का बहुत बड़ा रोल है। तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया जा रहा है उसमें एक हो गया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा जो ये सॉफ्टवेयर की बात है, जो टेक्नोलॉजी की बात है, उसके लिए भी उसमें प्रोविजन करना चाहिए और अच्छा खासा प्रोविजन करना चाहिए, ताकि एक तो जो नए न्यू एज जो एंटरप्रेन्योर्स जो टेक से भी एंटरप्रेन्योर एडटेक जिसको हम लोग बोल रहे हैं उनको बढ़ावा मिल सके, दूसरा वो लोग उस चीज पे फोकस कर सके, ताकि किसानों की सहूलियत के हिसाब से उस टेक्नोलॉजी को कैसे इवोल्व किया जा सकता है। आज किसान जो है उस चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कुछ हद तक वहां पर एक रेजिस्टेंस होता है टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन के लिए, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, उस पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो
नए एंटरप्रेन्योर तभी कर पाएंगे जब ये सहूलियत गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलेगी। जी प्रतीक, अगर इसी सवाल को आपसे पूछें, लेकिन निश्चित तौर पे क्योंकि आपका जो नजरिया होगा वो किसानों के तरफ से होगा, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से मुझे बताइए कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें क्या ऐसी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट आपको लगता है कि आपको मिलना चाहिए, जो जिससे कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपको और बेहतर काम करने का मौका मिले, और चाहे ट्रेसेबिलिटी हो, चाहे गुणवत्ता का मसला हो, या भरोसे का मसला हो ग्राहकों के साथ, उनमें आपको ज्यादा सुविधा हो। देखिए, हम जैसे स्टार्टअप जो हैं उनके सामने सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो वर्किंग कैपिटल की आती है। नॉर्मली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है उनको फंड करती हैं। सो यदि मुझे कोई प्लांट लगाना है तो उसके लिए तो शायद मुझे आसानी से कोई फंड मिल जाता है, बट यदि हम वर्किंग कैपिटल रेज करने की बात करते हैं तो हमें बैंक की तरफ डायरेक्ट किया जाता है। बैंकों के साथ समस्या ये है कि उन्हें हमारी हिस्ट्री चाहिए, फाइनेंशियल हिस्ट्री, और हम जैसे स्टार्टअप के पास फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं होती। तो इस जो फंड है उसमें से वर्किंग कैपिटल की भी कुछ थोड़ी सी आसानी हमारे लिए किए जाने की जरूरत है, और मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ये बात उठाई है और मुझे लगता है कि इसको बहुत आगे तक लेके जाने की जरूरत है, ये एक चीज है। दूसरा, बाजार में जो आज पेरिशेबल्स में जो समस्या है वो एक है कि 30-40% तक वेस्टेज जो होता है, वो वेस्टेज इसलिए होता है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जो डेटा है किसी और बिजनेस में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होता। तो पूरी सप्लाई चेन में, चाहे वो सप्लाई चेन की एफिशिएंसी हो या उस डिमांड सप्लाई के डेटा का ट्रांसफर हो, इन दोनों के कारण, इस पेरिशेबिलिटी और ये सब चीजों के कारण वो थोड़ा सा डैमेज ज्यादा होता है। तो यदि डिमांड सप्लाई सही पहुंचेगी तो ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन वाली जो समस्या है वो कम होगी, और दूसरा, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यदि होगा तो उससे जो डैमेज है, यदि आज हमारे पास अच्छे कोल्ड स्टोरेज है तो वेजिटेबल को आज ही बेचने की समस्या वो खत्म, उससे निजात मिलेगा, तो हम 2-3 दिन उसे आगे तक बचा के रख सकते हैं। जी सुनील, आपसे एक चीज ये समझना चाहेंगे कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर लेके सरकार ने भी फैसला किया, इसके बाद माना जा रहा है कि वेयर हाउसिंग में, स्टोरेज में एक बड़े पैमाने पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम देख सकते हैं, आपको क्या लगता है कि सब्जियों के या पेरिशेबल्स के मामले में भी इसका कोई असर देखने को मिलेगा, खासतौर से जब हम कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं और हम मानते हैं कि बहुत बड़ा एक गैप है जो जरूरत है और जो वास्तविकता है उसके बीच, तो आपको लगता है कि इसमें एक एक तेजी देखने को मिलेगी कोल्ड स्टोरेज और चेन में, और ज्यादा उसकी एक तरह से उपस्थिति बढ़ेगी और उससे जो कमी हो जाती है सब्जियों की सीजन के बाहर उससे भी कुछ निजात मिलेगी? खासतौर से वेजिटेबल में जो प्रोडक्ट जो आते हैं कभी, वो हैं आलू और प्याज। आलू में कोल्ड स्टोरेज का हम लोगों का काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने की बहुत जरूरत है। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोल्ड स्टोरेज का, जो मेजर जो आलू के प्रोडक्शन क्लस्टर्स अगर हम लोग देखेंगे, वो चाहे वेस्टर्न यूपी हो गया या गुजरात हो गया या मध्य प्रदेश में इंदौर के आसपास का जो एरिया हो गया, बहुत सारी जगह, या फिर कोलकाता के आसपास जो एरिया है, वहाँ पर जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन क्लस्टर्स हैं, वहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेज हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं, उनको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। दूसरा, फ्रंट एंड पर जो छोटे ट्रांजिट कोल्ड स्टोर की जो बात है, जो प्रतीक जी जो बता रहे थे, ट्रांजिट कोल्ड स्टोरेज की जो जरूरत है उसको बढ़ावा देने की बात है, तो वो जरूरी है। जी, यानी कुल मिलाकर किसी भी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे प्राइवेट मार्केट्स हो, या फिर ये कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात हो, इन परिस्थितियों में लगता है कि इसमें भी आने वाले दिनों में सुधार हम देख सकते हैं। और कुल मिलाकर जो बातचीत हमने की उसका एक निष्कर्ष समझे तो ये है कि तकनीक का प्रयोग बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए सरकार को जो सहूलियत है वो तो देनी ही होगी, लेकिन किसानों को भी अपनी ओर से ये तैयारी करनी होगी कि उस सहूलियत को, उस जो भी मदद है उसको वो अपने साथ उतार सके, अपने कारोबार में शामिल कर सके। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए अपनी राय जाहिर करने के लिए। और इसी के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले हफ्ते फिर हम आएंगे किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपने विशेषज्ञों के साथ एक गहरी और विस्तृत चर्चा लेकर। लेकिन फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी।
आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।